गाइस गुड इवनिंग। देखिए ये जूही का काम है, वीडियो देख रही होगी ना, मारूंगी जरूर और तुमको भी ऐसे ही नवाऊंगी आटे से कम। देख लेना तुम्हारा बदला मैं कैसे निकालती हूँ। जब मैं आटा लेके आऊंगी ना तब तुम रहोगी तभी आऊंगी। ये देखो मेरा टी शर्ट भी खराब हुआ है, आटा लेके आई थी पूरा मुझे लगा दी। एक शर्ट का तो पूछ ली थी जो मुझे इधर मुझे दिखाई नहीं, खा लिया थैंक यू। तो चलिए हम आगे किचन में और किचन में से दिखाते हैं आपको क्या किचन में क्या चल रहा है। यहाँ पे पनीर का हो रहा है कोटिंग, किस चीज से? कॉर्न फ्लावर से हो रहा है कोटिंग। और मैं सोच रही हूँ मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, एक मेरी सिस्टर है वो बोलती है आप बहुत फास्ट बोलती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं एकदम क्लीन एकदम आराम से आज आपको समझाऊंगी। एकदम अभी भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। तो सॉरी मैं थोड़ा फिर फास्ट चली गई। और यहाँ पे कटा हुआ है प्याज और शिमला मिर्च। और यहाँ पे चल रहा है हमारा, कढ़ाई में तेल डालना है, कढ़ाई गर्म हो गई है। यहाँ पे तवा रोटी के लिए एकदम पूरा रेडी से भी हो चुका है। और ये देखिए हम तेल डाल देते हैं भर भर के, खूब सारा तेल डाल देंगे क्योंकि फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा तेल था इसी में हम खूब सारा, कितना डालू देख लो डालो अभी। तो गाइस मेरा हाथ आटे का था। पानी चाहिए छोटा। क्या चाहिए? पानी छोटा चाहिए। अच्छा बड़ा पानी नहीं चाहिए, छोटा पानी चाहिए, मतलब थोड़ा नहीं बोल पा रहा है छोटा। देखो ग्लास इधर ही है ले लो, और उसके वाटर बैग में से लो, वाटर बॉटल सॉरी। बस वाटर बॉटल का हमने थोड़ा सा डाला, उधर ही है वाटर बॉटल कास्ट। तो इसमें मैंने कुछ तला था सुबह में, क्या तली थी उसका ही है, मैं इसको निकाल देती हूँ। फिर से तलना ही है इसमें भी, लेकिन फिर क्लीन रहेगा तो अच्छा लगेगा। गरम उठ, अब इसमें क्या तलना है तलो सॉरी। और मैं जा रही हूँ यहाँ पे अपना रोटी बनाने, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखो गोला होके थोड़ा सा काला काला साइड हो जाएगा तो निकाल देना आराम से, किनारे से निकालोगे तो निकलेगा, बीच में से छंदा। तो मेरा यहाँ फटाफट रोटी बन जाता है और यहाँ पे हस्बैंड जी का डिश बन जा रहा है। तो इस समय हस्बैंड जी जब चलते हैं ना तो लगातार पनीर पे आ जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी ना थोड़ा बहुत पनीर लाते नहीं हैं, किलो के हिसाब से लाते हैं। सस्ता देता है क्या तुम किलो लाते थे? हाँ इतना क्यों उठा लाते हैं? बोलते हैं दो दिन सब्जी नहीं लाना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पनीर हो रही है फ्राई, अब इसका क्या बनेगा आप लोग तो समझदार खुद ही हैं, मटेरियल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए पनीर उनीर फ्राई हो जाता है तो दिखाते हैं आगे क्या होने वाला है। तो गाइस इनका बदला देखिए अभी लग रहा है। देखिए हम वीडियो बनाने गए तो अपने गाल पे देखे ये आ गई थी हमको देने, क्या दी है बताओ ये बदला रहा ये एक तो पोती थी, मेरा टी शर्ट खराब कर दिया। देखिए ये देखिए ये देखिए भाभी, अभी नहीं नवाऊंगी, मेरे कपड़े से पोत के गए। बदला भाग गई। तो गाइस यहाँ पे देखिए फाइनली बन चुका है जो बनने वाला था, मैं अब भूल गई थी, मैं चली गई थी बाबू को फ्रेश करने क्योंकि बच्चे लोग चले गए थे बर्थडे में। और देखिए क्या बनने वाला था क्या बन चुका है, अभी पका वका नहीं है, अभी इसको ऐसे रखा गया, अभी सूखने के बाद मैं फाइनली दिखाऊंगी ये क्या बन चुका है। वैसे भी आपको पता चली गया होगा है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखिए थोड़ा हाथ काला हो गया तब मुझे, अभी दिख रहा है आप लोग को दिख रहा है कमेंट करके बताइए। पूरा तीनों उंगली मेरी ना दरवाजे में दब गई, अभी दिख रहा है पूरा काला हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये हो चुका है लगभग लगभग, अभी ये सूखेगा बंद कर देंगे इसी स्टेज पे, क्योंकि ना हमारे बच्चे रोटी से खाते हैं मीठा नहीं खाते, जैसे होटलों में रहता है ड्राई स्टार्टर खाते हैं ना सब लोग,
बच्चे हमारे रोटी से खाएंगे। चलिए बताइएगा कि हमारी पनीर चिली कैसी बनी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस इसको बंद कर देते हैं और गैस भी बंद कर देते हैं और इसको हम ढक लेते हैं। तो गाइस आज जिम में पूरे अकेले हम लोग हैं, बस दो ही लोग कर रहे हैं क्योंकि आज रात बहुत हो चुकी है, 10:30 बजे लग गया। तो आज हम लोग दो सेट थे साथ में, 23 और 22 सेट थे। तो आज हमारा जिम नहीं ख़त्म होता है, पर हमारा जिम खत्म हो जाएगा कल। हमारा बच्चा क्या है, सिर्फ लेग बच्चा है, वो भी कल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे फिर से लेग, क्योंकि लेग कर चुके हैं। तो चलो अभी हम थोड़ा सा एप्स वगैरह कर लेते हैं। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए पूरे दिन कोई नहीं है, अभी तो ये इधर वाला रूम है, उधर भी दिखाती हूँ आपको, वीडियो बने रहिए। फटाफट हमारा सब हो गया है और लास्ट ये है, जो कि इस समय हम लोग ना वो नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट मिल वगैरह नहीं कर रहे हैं। मेरा फेस कितना साफ साफ दिख रहा है, एकदम वाइड दिख रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा मेरा फेस साफ दिख रहा है क्या। मुझे पसीने से ना मेरा फेस पूरा क्लीन हो रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे, इतना पसीना हो रहा है मुझे ना, मैं पूरा डूबी रहती हूँ पसीने में। बोझते बोझते पूरा मेरा मुंह लाल हो गया, आपको दिखा पूरा इधर का लाल, पूरा जलने भी लगता है। इनका देखिए ये एक करते जाते हैं ताकि हमको भी करना पड़े। बस करो हो गया है, अब मैं भी चलती हूँ कर लेती हूँ, आप लोग वीडियो बने रहिए। आज बस यहाँ पे खाना मैं निकाल रही, फटाफट देख सकते हैं आप लोग, और वहाँ पे लगा के दे भी दी हूँ प्लेट आपको दी। हस्बैंड जी को पहले ये देती हूँ फिर बाद में। ए आवाज कम करो, आशीष के घर से नहीं रहा, आशीष का मजरा बात कर रहा है यार, बैठ जाते हो मत कहीं करने, तो एकदम सो के 11 बज रहा है। ओ राम भाई, परी चिल्ली खाने का है तो बोलो। यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं, मैं बैठ गया। इसमें ये लोग दाल नहीं लिए हैं, जो कि इनको खाना ही है, दाल इनको दिया गया है। ए दाल दू ना, ओए दाल दो। सो गाइस तो देखिए सब लोग सो गए हैं, खाओ के पियो के एकदम आराम से, और हम जा रहे हैं अभी अपने हेयर में रोज मेरी वाटर जो घर में बनाए हैं उसको लगाएंगे, क्योंकि कल बाल धोना है मुझे, कल है नाग पंचमी। तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा और देखिएगा, सॉरी इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा मेरा, नागपंचमी को हम लोग क्या कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है, आप लोग क्या कैसे होता है, क्या क्या होता है वो भी कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो वीडियो को जरा जो जो वीडियो बनाते हैं उस वीडियो को ये दोबारा बताइएगा, जैसे वीडियो बना के हमें बताइएगा। तो हम बहुत वीडियो देखते हैं अक्सर, यहाँ पर सब लोग सो गए, जैसे कि हमारा बाबू ना आज बिना खाना वाना खाए सो गया है बेचारा। देखिए लड़की भी सो गई, बाबू भी सो गए। तो चलिए चलते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ और आपको चिल्ली की पनीर चिल्ली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसलिए स्लो बोल रहे क्योंकि बाबू सोया है, और पनीर चिल्ली कैसा लगा आपको देख के कमेंट करके जरूर बताइए। रेसिपी तो हम पूरा शेयर नहीं किए थे, अगर आपको अच्छा लगा तो हम रेसिपी भी शेयर करेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे, बना के दिखाएंगे भी। और चलिए वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। आज जिम करने में ना बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि जिम में ना कोई नहीं था, मतलब आज बहुत लोग मतलब डांडी मारे थे जिम में, तो बहुत ही मज़ा आया। अकेले के लिए जिम करने में जो मर्जी वो करो तो बहुत ही अच्छा लगता है, और थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होता है, अपने वीडियो वगैरह भी कर लेते हैं। लेकिन क्या करें, लेट हो रहा था ना इसीलिए फटाफट, तभी भी हमने दो वीडियो बनाया है शायद, नहीं एक ही बनाया है, एक वीडियो शॉर्ट बनाया और बाकी हमने ब्लॉग भी आज शूट किया है जिम का। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम बाहर का नहीं दिखा पाए क्योंकि सर बाहर थे, इसीलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। चलिए आप लोग को अच्छा लगा अगर तो भर भर के प्यार दुलार कमेंट शेयर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।